नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को चीतों का तोहफा दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए विविध आयोजन कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाई संदेशों का तांता लग गया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई दिग्गजों ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि देश के सर्वप्रिय नेता और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि पीएम मोदी ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ दिया है। इन सभी चीतों को पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। आपको बता दें कि इन सभी चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया है। अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया 2009 में शुरू हुआ था। भारत ने चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चीतों में किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए गांव के अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण किया गया है। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया है। इन चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्य जीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने के लिए 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। तेलंगाना मुक्ति दिवस के तहत आज गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में समारोह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि हैदराबाद के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने यहां तिरंगा फहराया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर अमित शाह हैदराबाद में सेवा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें दिव्यांगों को उपकरण वितरित करेंगे। वो सरकारी स्कूलों और सामुदायिक छात्रावासों में शौचालय की सफाई करने वाली मशीनों का भी वितरण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की बधाई। मैं शहीदों और बहादुर योद्धाओं को नमन करता हूँ, जिन्होंने हैदराबाद को भारत संघ में विलय करने के लिए क्रूर निजाम शासन के तहत रजाकारों के अत्याचारों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल तुर्की के खतरनाक बैरक्टर TB2 ड्रोन की खासियत ने कई देशों को अपना कायल बनाया है, लेकिन तुर्की ने भारत को अपना ये ड्रोन देने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर यह जता दिया है कि वो किसी का मोहताज नहीं है और अब अपने स्वदेशी ड्रोन की तैयारी में भारत जुट गया है, जिसे टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201 नाम दिया गया है। भारतीय ड्रोन तापस BH-201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तापस ड्रोन तुर्की के ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों की तुलना करें तो तापस BH-201 ड्रोन 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 1800 किलो है और ये 130 से 180 HP पावर तक जनरेट कर सकता है। वहीं तापस की टॉप स्पीड की बात करें तो ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके साथ ही तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक टिक सकता है, जबकि इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर की है। सितंबर से शुरू होने वाले यूपी विधानमंडल का सत्र इस बार माननीयों के लिए खास होगा।
विधायक अपने क्षेत्र के काम और मुद्दों को सदन में उठाने और मंत्री सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए हाथ में फाइल की जगह टैबलेट लेकर सदन में आएंगे। इसके पहले ई विधान लागू करते हुए विधानसभा के मुख्य मंडप में सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए थे। इस बार यही पहल उच्च सदन यानी विधान परिषद के लिए की गई है। विधान परिषद के कक्ष में टैबलेट लगाने का काम अंतिम रूप है। अब परिषद में भी सभी सदस्यों के बैठने का स्थान निर्धारित होगा। साथ ही साथ सदस्य सिर्फ अपने पासवर्ड से ही टैबलेट खोल पाएंगे। विधान परिषद में भी ई विधान लागू होने से यूपी विधानमंडल पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। इसके लिए विधान परिषद के सदस्यों को 17 और 18 सितंबर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पिछले सत्र में ही इसके लिए खास पहल कर इस काम में तेजी और दक्षता के लिए विधायकों की ट्रेनिंग करवाई थी। केरल के अमृता हॉस्पिटल में भारत का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है। कर्नाटक के 25 वर्षीय अमरेश ने बिजली के झटके के कारण अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन अब उनके दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर दिया गया है। कर्नाटक के यादगीर में गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के साथ काम करने वाले जूनियर पावरमैन अमरेश ने कुछ साल पहले एक बिजली दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। इसके बाद उन्होंने सितंबर 2018 में केरल नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग में अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण कराया। अमरेश को यह नया जीवन विनोद के कारण मिला। विनोद कोलम में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे और जनवरी 2022 को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। विनोद का परिवार उनके हाथों सहित अन्य अंगों को दान करने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा के नेतृत्व में 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिक्स वाली टीम ने ये सर्जरी की। सर्जरी काफी मुश्किल थी और लगभग 18 घंटे में पूरी हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्जरी पूरी तरह से सफल रही। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।